अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साकिब शोर, आप देख रहे हैं साकिब स्पोर्ट्स न्यूज़। तो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा पाकिस्तान की हार। बस अल्लाह पाक पाकिस्तान टीम पर रहम करे, और तो इस टीम में तो कुछ भी नहीं, ना फील्डिंग में है, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में। यार पता नहीं कैसे वाल खेलने भाग गए, इनको ना खेलना आता है, ना बाल पकड़ना आता है, और ना ही बाल करना। ये तीनों फॉर्मेट्स में नाकाम हो गए यार। अफगानिस्तान से शिकस्त खाने के बाद तो ये मुकम्मल टूट से गए हैं। चलो चलते हैं फिर इनके थोड़ी मैच के हाइलाइट्स बताते हैं। वर्ल्ड कप के 22वें मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए करोड़ 50 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। उनकी जानिब से इमाम उल हक 17, अब्दुल्ला शफीक 58, बाबर 74, रिजवान 8, शकील 25, सऊद शदाब खान और इफ्तिखार अहमद ने 40-40 रन बनाए। उन शदाब ने भी 40 और इफ्तिखार ने भी 40। बॉलिंग में नूर अहमद, जो कि 18 साल लाया, उसका डेब्यू मैच था वर्ल्ड कप में, उसने 3 विकेटें ली। मेन विकेटें जिसने बाबर, मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक को नूर अहमद ने आउट किया, 3 विकेट हासिल की। और नवीन उल हक ने 2 विकेट दो अहम खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें शदाब खान और इफ्तिखार अहमद को उसने 50 ओवर में लास्ट ओवर में दोनों को आउट किया। हदफ के ताकम में अफगानिस्तान की टीम ने मुकर्रर टारगेट 2 विकेटों के नुकसान पर 49 ओवर में हासिल कर लिया। उनकी जानिब से रमानुल्ला गुरबाज 65 रन बनाकर आउट हुए। इब्राहिम जदरान 87 रन बनाकर आउट हुए। रहमत शाह 77 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और कैप्टन अशमतुल्ला शहीदी 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बॉलिंग में अफरीदी और हसन अली ने 1-1 विकेट ली। तो ये थी मैच के अपडेट्स। इस हार से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लिस्ट से बाहर हो चुकी है। जहरी आप भी क्रिकेट देखते होंगे। अब पाकिस्तान के पास 4 मैच रह गए और ऑस्ट्रेलिया के पास 5 मैच। पाकिस्तान ने सारे मैच बड़ी टीमों से खेलने सिवाय बांग्लादेश के, तो जो के ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने 3 मैच ऐसे हैं जो अफगानिस्तान और नीदरलैंड और बांग्लादेश के साथ खेलने हैं, बाकी उन दो उसके बड़े टीमों के साथ मैच है। तो जहरी सी बात है, पाकिस्तान टीम को हम सेमीफाइनल में नहीं देख रहे। बाकी अल्लाह खैर करे, जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ए पाकिस्तान टीम, तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। तो वही बात है, हमें तुमसे प्यार है क्योंकि तुम हमारे मुल्क की शान हो। वाकई बहुत ख़राब खेल पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमें सपोर्ट करना तो नहीं छोड़ सकते ना, हमारी टीम है। चलो फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वर्ल्ड कप या नेक्स्ट जो भी फर आगे इवेंट्स होगा उसमें देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद देखते रहिए साकिब स्पोर्ट्स न्यूज़।